बाहर एकदम झमाझम बारिश हो रही है और मन तो बहुत करेगा आपको कि कुछ ना कुछ फ्राई करके खाया जाए। तो आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ प्याज की चूरा भजिया। बस बेसन और पानी का जो प्रपोर्शन एकदम परफेक्ट हो ना, तो क्या बात है। तो चलिए देखते हैं इसके वीडियो। तो मैंने यहाँ पे लिया है प्याज, क्योंकि हम बनाने वाले हैं प्याज का चूरा भजी। तो ये जो चूरा भजी होता है बहुत ही टेस्टी होता है, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है प्याज की। तो मैंने यहाँ पे 6 प्याज ले रखे हैं। तो चलिए अब ये जो प्याज है इसे हम काट लेंगे। सारे के सारे प्याज है उसके हम छिलके निकाल लेंगे। तो देखिए प्याज को मैंने छील लिया है, बड़ वाला एरिया होता है इसे भी मैंने काट दिया है। तो मैंने इसे 2 हिस्सों में कर लिया है। तो इसे मीडियम मीडियम काटना है, बहुत ज्यादा मोटे मोटे नहीं काटने हैं। बहुत ज्यादा मोटे मोटे नहीं हैं, ये मीडियम साइज के हैं। इसी तरीके से हम सारे के सारे जो प्याज हैं वो काट लेंगे। तो इस तरह से हाथों की सहायता से इसे हल्का हल्का इस तरह से खोलना है, क्योंकि ये बंधे हुए हैं हल्के हल्के। देखिए इस तरह से होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से प्याज होंगे ना तो ये नहीं चलेगा, थोड़ा सा इसे हमें इस तरह से तोड़ देना है। तो देखिए जो प्याज है इस तरह से, मैंने एक सिंगल सिंगल दिख रहा है तो आपको यहाँ पे 2 एकदम चिपके हुए हैं, तो इस तरह से होने चाहिए। बहुत ज़्यादा इसका चूरा नहीं करना है, एक बात का ध्यान रखना है। इस भजिया को इसलिए ही प्याज का चूरा भजिया कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया है और मैंने बेसन को इस तरह से दबा दिया है अच्छे से। अब थोड़ा थोड़ा करके हम ये बेसन डालेंगे इस प्याज के अंदर और हमें मिक्स करना है। तो इस तरह से मैं उंगलियों की सहायता से ही बेसन निकाल रही हूँ और हाथों की सहायता से हमें मिक्स करना है। जो बर्तन है थोड़ा सा छोटा सा लग रहा है, तो बर्तन आप यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ही लीजिए। इसे थोड़ा शिफ्ट कर लेती हूँ बड़े बर्तन में। तो बेसन को हम यहाँ पे मिक्स करेंगे, मैंने यहाँ पे बड़ा बर्तन ले लिया है। तो पहले हमें बेसन मिक्स करना होता है। तो सारा का सारा जो बेसन मैंने लिया था वो प्रयोग में आ गया है, और अगर ज़रूरत महसूस हुई ऊपर से बेसन और डालना है तो हम ऊपर से और बेसन डालेंगे। तो एक साथ ही मैं आपको मेजरमेंट बताऊंगी कि कितना मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पे पानी लिया है 1 कप और 1 कप बेसन और लिया है, मेजरिंग कप के हिसाब से 1 कप है, और पानी भी 1 कप लिया है। तो 1 कप जो बेसन है वो हमने डाल ही दिया था, तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऊपर से पानी। बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है इसमें, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमें बेसन और कितना डालना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे प्याज बहुत ही अच्छे से दिख रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब हम बेसन डालेंगे। तो क्या है ना कि बेसन थोड़ा थोड़ा डालते जाना है, साथ में पानी भी डालते जाना है। तो 1 कप बेसन मैंने डाल दिया है फिर से, और अच्छे से मिक्स करेंगे। और अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो ये 3रा कप है और अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। इसमें ये होता है कि जो बेसन का जो लेयर है ना अच्छा खासा दिखना चाहिए, एकदम प्याज बहुत ज़्यादा नहीं दिखनी चाहिए। अब इसमें हम डालने वाले हैं ये पालक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पालक को मैंने इस तरह से काटा है, अगर ज़्यादा बड़े बड़े हो तो उसके 2-2 हिस्से कर लीजिए इस तरह से। 4 पालक का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। इसमें पालक का जो फ्लेवर होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ ही साथ में इसे हम डालेंगे कड़ी पत्ता, तो अच्छा खासा कड़ी पत्ता भी है। साथ ही साथ में डालेंगे नमक, तो अंदाजन टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है। नमक डालने की वजह से जो प्याज है वो पानी छोड़ना शुरू कर देगा, और इसके बाद हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ऊपर से हमें पानी डालना है कि नहीं डालना है, और सभी चीज़ों को हम आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे देख के ऐसा लग रहा है कि ऊपर से बेसन थोड़ा सा और डालना पड़ेगा, तो 1/2 कप बेसन मैं ऊपर से और डाल रही हूँ। तो कुल मिला के 3.5 कप बेसन का इस्तेमाल किया है 6 प्याज में, जो कि मीडियम साइज है। थोड़ा सा पानी हम फिर डाल देंगे।
और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए मैंने सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा प्याज नहीं दिख रहा है। अब इसे हम इस तरह से ही रख देते हैं। तो 10 मिनट हो चुका है और जैसे कि आप देख सकते हो ये हल्का सा मुलायम सा हो चुका है, इस तरह से होनी चाहिए। देखिए जैसे ही आप इसमें डालोगे ना तो ऐसे एक एक करके गिरना चाहिए, इस तरह से एक साथ नहीं गिरना चाहिए। हमने एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में ये तैयार किया है। तो चलिए अब इसे हम फ्राई करते हैं और देख लेंगे कि कैसे बन के तैयार होती हो। तो तेल यहाँ पे बहुत ही हल्का सा गर्म है, तो अब मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से इसे डालना है। आंच को मैंने स्लो कर दिया है, छोटा छोटा बैच हमें डालते जाना है और अंगूठे की सहायता से हमें इसे गिराना है, और अंगूठे की सहायता से हम गिराते रहेंगे इसे। तेल यहाँ पे बहुत ही हल्का सा गर्म हुआ है, बहुत तेज़ गर्म नहीं किया है मैंने। और ये जो भजिया है इसे कुरकुरा कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सुनहरी होने तक फ्राई नहीं करना है, उससे पहले ही हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। तो जैसे कि आप देख रहे हो बिल्कुल भी सुनहरी नहीं हुई है, ये पीली ही है और इसमें ज़रा भी सुनहरीपन जैसा कलर नहीं आया है, और इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। ये अभी भी मुलायम सा है। आप सोच रहे होंगे मैंने कहा है कि एकदम कुरकुरे बनेंगे तो मुलायम कैसे है, तो इसे कुरकुरा कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। ये बैच तैयार हो चुका है, फर्स्ट बैच, तो इसे हम साइड में रख देते हैं। अब सेकेंड बैच हम फ्राई कर लेंगे। तो धीमी आंच पे करीबन 2 से 3 मिनट तक हमें इसे फ्राई करना है। तो इसे हमें पूरी तरह से फ्राई नहीं करना है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अब ये जो ट्रिक है वो क्या है मैं बताती हूँ। आंच यहाँ पे एकदम धीमा है और तेल एकदम हल्का सा ही गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। अब क्या करेंगे हम, आंच को यहाँ पे मध्यम और तेज के बीच में रख देंगे और तेल को हमें यहाँ पे गर्म करने रख देना है। इतना गर्म होना चाहिए कि इसमें से हल्का धुआं उठना शुरू हो जाए। और ये जो बैच है जो हमने फ्राई किया है वो हल्का सा ठंडा हो चुका है। अगर बरसात के मौसम में अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं तो बस आपको करना है क्या है, तेल को बस गर्म करना है और आगे कैसे इसे फ्राई करना है और कुरकुरा कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो तेल में हल्का हल्का धुआं उठना शुरू हो चुका है, तो अब ये सही वक्त है, हम चूरा भजिया को डाल देंगे इसमें। आंच को मैंने यहाँ पे मध्यम कर दिया है और मध्यम आंच में हमें इसे लाइट ब्राउन होने तक या हल्का सा डार्क ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। देखिए एकदम लाइट ब्राउन सा होना शुरू हो चुका है। ये जो डबल फ्राई वाला जो सिस्टम होता है, मेथड होता है, इससे जो भजिया है एकदम कुरकुरी बनती है। देखिए इसका रंग एकदम बदल चुका है, पहले एकदम पीला सा दिख रहा था। तब इसे हम निकाल लेंगे, तो देखिए रंग में कितना फर्क आ चुका है, ये पीला सा दिख रहा है और ये ब्राउन सा हो चुका है। इसे हम निकालेंगे प्लेट में और इसकी आवाज से ही आपको पता चल गया होगा कि एकदम कुरकुरा सा बना है। देखिए इसकी आवाज, देखिए बहुत ही कुरकुरा सा बन चुका है। इसे हम निकालेंगे प्लेट में। तेल में फिर से धुआं उठना शुरू हो चुका है, तो ये सेकंड बैच है वो भी हम डाल देंगे फ्राई होने के लिए। तो ये प्याज की चूरा चूरा भजिया की आवाज से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने कुरकुरे से बने हैं और एकदम गर्मा गर्म है। हम इसे खाने वाले हैं धनिया और पुदीना की चटनी के साथ, और अदरक की अगर चाय साथ में मिल जाए तो क्या बात है। तो मैं यहाँ पे टेस्ट करने वाली हूँ पुदीना की चटनी के साथ। तो आवाज से ही आपको पता चल गया होगा कि कितने कुरकुरे से बने हैं और ये मीठे से होते हैं, साथ ही साथ में इसमें पालक और कड़ी पत्ता का टेस्ट बहुत जबरदस्त है।